सरगर्मी है, यानी कि जिसे हम एक्टिविटी हमारे उर्दू में स्कूल सरगर्मी कहते हैं, सरगर्मी है हमारी तस्वीरी कहानी। तस्वीरी कहानी में आज हम कहेंगे कहानी, कछुआ और खरगोश, यानी कि इसका जो सबक है वो है गरूर का सर नीचा। अब यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं कछुआ और खरगोश से मुतालिक, आपने इन तस्वीरों को देखना है और आपको मैंने एक खाका जो है बना के दिया है कि कहानी की हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। कहानी का सबक आप बिल्कुल मत भूलिएगा, यानी कि गरूर का सर नीचा, यानी कि वो लोग जो गरूर करते हैं वो हमेशा उनकी हार ही होती है, यानी कि गरूर करने वाला जो है उसको अल्लाह ताला भी पसंद नहीं करते। गरूर का सर हमेशा नीचा ही होता है, उसे झुकना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग अपनी सरगर्मी जो है शुरू करते हैं कि एक जंगल में कछुआ खरगोश रहते हैं, क्योंकि आपस में दोस्ती भी है, बहुत बातचीत भी है। अब कछुआ जो है वो सुस्रफ्तार जानवर है, आप सब जानते हैं, और खरगोश जो है बहुत तेज दौड़ने वाला जानवर है। अब कहानी है उसमें सबक यही है कि खरगोश जो है उसे बहुत ज्यादा गरूर है अपने तेज दौड़ने पर, अपनी इस खूबी पर। अल्लाह ताला ने उसको एक बहुत अच्छी बड़ी खूबी दी, उसके बाद पर फखर करने के बजाय वो इस बात पर गरूर कर बैठा कि मैं बहुत तेज दौड़ने वाला जानवर हूं, मैं तो हर किसी से खासतौर पर कछुए से मैं हमेशा जीत सकता हूं। और वो ये गलती कर बैठा और जंगल में उसके सब जानवरों के सामने कछुए के साथ ये एक रेस लगा ली अपने साथ, एक कि मैं आप तुम्हारे साथ रेस करना चाहता हूं, और देखते हैं कि तुम यकीनन मेरे साथ रेस करोगे। से दिल में ये बात है कि यकीनन ये हारेगा, और कछुआ जो है वो अपनी सुस्तकारी की वजह से चलता रहता है, और खरगोश के दिल में ये बात है कि जीतना उसने ही है। और जब वो रफ्तार से चलता रहा है एक कुछ रफ्तार से, और वो एक दरख्त के साए के नीचे बैठकर